हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज मैं आपके लिए और बहुत सारी अपडेट लेकर आया हूं सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूंगा दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी की तरफ़ से क्योंकि क्लास का कोई अपडेट नहीं आया आपके पास लेकिन उसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है मैं कल गया था पटना यूनिवर्सिटी और वहाँ पर मैंने बातचीत की और जो मुझे पता चला है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जाऊँगा दूसरी चीज़ मैं अपडेट लाया हूँ आपके लिए लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी क्या है अभी खुली नहीं खुली कौन से बच्चे जा सकते हैं कौन से नहीं जा सकते है ना फिर मैं एक प्लेसमेंट की एक खबर लाया हूँ एक प्लेसमेंट ड्राइव बैठा था तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट को देखना कि किस तरह से प्लेसमेंट होता है फिर मैं बजट के लिए लाया हूँ देखिए हमारे कॉलेज में जो है अभी दो करोड़ रुपए रखे हुए हैं है ना अभी ये किस तरह से इन्वेस्ट होंगे किस तरह से आपको नई नई फैसिलिटीज मिलेंगी अपने डिपार्टमेंट्स में तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक खबर होगी फिर पटना ट्रेनिंग कॉलेज को लेकर पटना ट्रेनिंग कॉलेज कॉले के लिए एक न्यूज़ है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपको क्या होता है ना यार कि सब कुछ देखना चाहिए इससे क्या होता है कि विल गेट द न्यू एक्सपोजर्स है ना ताकि बी ए का स्टूडेंट बी एस सी को बेवकूफ़ ना बना सके कि हमारे यहाँ ये होता है ये होता है, है ना आपको पता हुआ है कि नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे होता है है ना तो आप भी इसे काउंटर कर सकें इसलिए आपको सारी न्यूज़ देखना ज़रूरी है अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दे, दे बिकॉज ऐसी वीडियो आपको वी पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती है है ना और देखिए मैं आपके लिए कल पटना यूनिवर्सिटी भी गया और मैं वहाँ से जानकारी लेकर आया हूँ सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो है ना चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको लाइब्रेरी की अपडेट देने जा रहा हूँ दिस इज दी अपडेट ऑफ द लाइब्रेरी लाइब्रेरी कंटिन्यू टू ऑपरेट इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर है ना लाइब्रेरी जो है अपना काम करते रहेगी लेकिन रेस्ट्रिक्टेड तरीके से विथ मोस्ट पब्लिक एंड अकेडमिक लाइब्रेरीज इन दिटी क्लोजिंग द डोर्स ड्यू टू द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक यंगस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आर अनेबल टू कंसल्ट रेलिवेंट बुक्स एंड जर्नल्स जो बच्चे हैं वो कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक की वजह से लाइब्रेरी में नहीं जा पा रहे तो वो बुक्स और न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देर आर सेवरल पब्लिक लाइब्रेरीज अपार्ट फ्राम दोज अटैच टू द्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन दिटी एंड ऑल ऑफ दैम आर फंक्शनिंग इन द रेस्ट्रिक्टिड मैनर जो अगल बगल की जो सिविल uh, लाइब्रेरीज़ हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट मैनर में ही चल रही है दी खुदा बख्श औरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी

'As the reading section is still shut,' लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट अफरोज अहमद टोल दिस न्यूज पेपर है ना और ये जो है उन बच्चों के लिए अभी भी बैन है जो जनरल रीडर्स हैं जो नॉर्मल आते जाते हैं अभी सिर्फ पी यू के बच्चों के लिए ही हैं पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी चीफ अभय कुमार एडमिटेड दी एंट्री ऑफ़ जनरल स्टूडेंट्स इंटू द लाइब्रेरी वॉर स्टिल बैंड पटना यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पर भी सेम चीज़ लाइब्रेरी में जनरल रीडर्स जनरल स्टूडेंट्स का आना अभी बैन है ओनली दोज परसुइंग पी एच डी कोर्स वर्क इन पी यू एंड रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर्स आर अलाउड हेयर कुछ रिसर्चर्स और पी एच डी जो कर रहे हैं बच्चे उन्हीं को अलाउड है अभी वी आर हाउर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेज फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटिंग टू द बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटीज़ पी यू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट मनीष यादव ऑन दी अदर हैंड डिमांडेड दैट द लाइब्रेरी शुड भी रीओपन फॉर जनरल स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द रिसर्चर्स बिकॉज दोज़ हु आर पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई कॉस्टली बुक्स जो पी यू स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं मनीष यादव जी उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी जो है सबके लिए खुलनी चाहिए क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली बुक्स दी लाइब्रेरी ऑफ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट रिज्यूम्ड इट्स नॉर्मल ऑपरेशन गेट असिस्टेंट लाइब्रेरियन अफ्ताफ सैड ओनली फैकल्टी मेम्बर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर अलाउड इन द लाइब्रेरी वेर कंप्लीट हाइजीन इज मैम अप्लाय सैनिटाइजर एंड वीयर मास्क नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेम हाल है उसकी भी लाइब्रेरी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स दे आर गोइंग टू भी टेकन देर ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट लाइब्रेरीज सुभाष शाह पॉइंटेड आउट दैट फोर्टी वन गवर्नमेंट एडेड पब्लिक लाइब्रेरीज हैलाउड टू रीओपन दे हावर हैव टू अबॉइड बाई ऑल दी कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जैसे कि हमारे जो स्टेट है बिहार में इकतालीस गवर्मेंट एडेड मतलब गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और उन्हें खुलने की भी परमिशन दे दी गई है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मैनर में और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करते हुए तो लाइब्रेरी अभी आपके लिए नहीं खुली है कुल मिला के ये बात है और आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ ऐसे आ, मैं आपके लिए बैक टू बैक अब वीडियोज़ डालने वाला हूँ आपकी बुक्स से रिलेटेड आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ताकि ये अपडेट भी आपको जल्दी से जल्दी मिले अब देखिए अब ये है यस yes. ये न्यूज़ देखने वाली है मैं थोड़ी डिटेल में इसे बता देता हूँ है ना पी ओ पी एच डी छात्रों के लिए हुआ प्लेसमेंट ड्राइवर टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबके लिए कि यहाँ प्लेसमेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं कैसे होते हैं है ना सब कुछ आज मैं आपको बता देने वाला हूँ पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और पटना विश्वविद्यालय के काउंसलिंग ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल ने पी एच डी धारकों के लिए प्लेसमेंट वार्ता व लिखित परीक्षा का आयोजन किया विश्वविद्यालय के कैसे विद्यार्थी जो पी एच डी डिग्री प्राप्त हैं अथवा पी एच डी शोध प्रबंध जमा कर चुके हैं उन्हें प्लेसमेंट वार्ता के बाद लिखित परीक्षा में शामिल किया गया इसमें सफल विद्यार्थियों को साक्षात्कार के को साक्षात्कार के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बुलाया जाएगा अंतिम रूप से चयनित शोध शोधार्थियों को एसोसिएट रिसोर्ट पर्सन बनाया जाएगा इन्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आवश्यकता अनुसार पदा पद पत स्थापित किया जाएगा प्लेसमेंट ड्राइव में पीयू के विभिन्न विषयों से पच्चीस शोषाध्यर्थियों ने भाग लिया कुलपति तो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा कि शोध विषय को गुणात्मक व रोजगारों रोजगारोंमुखी बनाने के लिए ऐसे और प्लेसमेंट भविष्य में होंगे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती सदस्य डॉक्टर प्रियंका कुमारी आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई इकहत्तर केंद्रों पर ए पी ओ पी टी सात में से सात जिलों के इकहत्तर परीक्षा केंद्रों पर रविवार को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के लिए पीटी हुआ 563 पदों पर नियुक्ति के लिए दो पोलियो में बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले इस टेस्ट के लिए पैंतीस हजार बत्तीस अभ्यार्थियों का को प्रवेश पत्र जारी किया गया था लगभग अस्सी फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए पटना ट्रेनिंग कॉलेज की एक न्यूज़ है पटना ट्रेनिंग कॉलेज भी एक कॉलेज है हमारे पटना यूनिवर्सिटी का पटना ट्रेनिंग कॉलेज का पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन 21 मार्च को तो ये न्यूज़ तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं है ना मैं सारी न्यूज़ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर अपलोड करने में टाइम लगता है प्रोसेस होने में टाइम लगता है और आप लोग फिर पूरी वीडियो देखते नहीं है है ना कॉलेज के पास दो करोड़ पर एक रुपया भी खर्च नहीं ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ इसका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए दो करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है और ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है है ना अगर इन्होंने खर्च नहीं किए तो विश्वविद्यालय का पटना ट्रेनिंग कॉलेज इन दिनों काफ़ी ख़राब स्थिति में है कॉलेज को नैक के लिए तैयारी करनी है लेकिन मद में दो करोड़ रुपए होते हुए भी कॉलेज में विगत एक साल से कोई भी काम नहीं हो सका है बिहार एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कॉलेज में विकास को लेकर काम करना है कॉरपोरेशन को कॉलेज के द्वारा पहली किस्त में पचास लाख रुपये ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है कुछ वर्षों पहले बने सभागर की छत से टपकती है पानी जानकारी के अनुसार कॉलेज में कुछ समय पहले एक सुंदर सभागर का निर्माण हुआ था लेकिन बहुत जल्द ही अब उसके छत से पानी भी टपकने लगी है उसकी मरम्मती समेत कॉलेज में कई अन्य ब्लॉक की मरम्मती को लेकर प्रस्ताव कॉरपोरेशन को कॉलेज ने भेजा है कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार के अनुसार दो करोड़ रुपए कॉलेज को सेंशन है इससे इसमें से एक करोड़ की प्राथमिकता राशि सरकार के द्वारा रिलीज भी कर दी गई है पचास लाख रुपए कॉरपोरेशन को ट्रांसफर भी कर दिए गए थे जून 2020 में इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो रहा है नए के लिए खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहा कॉलेज कॉलेज के पहले नैक भी बी ग्रेड हैं जबकि 2022 के बाद बी प्लस ग्रेड नहीं हुआ तो मान्यता पर संकट आ सकती है पैसा रहते हुए भी कॉलेज सिर्फ इंतज़ार करने का मजबूर है क्योंकि कॉलेज सीधे उक्त राशि को खर्च नहीं कर सकती है और कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर रही है कॉलेज का टारगेट नैक के लिए अप्रैल में सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अपलोड करना है इस वर्ष नैक के लिए कॉलेज को अपग्रेड करना ज़रूरी है लेकिन दो करोड़ फंड रहते हुए भी कॉलेज कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि राशि को खर्च करने का अधिकार सिर्फ बी एस आई डी सी का है पहले काम पीडब्ल्यूडी डी करती थी लेकिन अब वो बंद हो गया है प्रोफेसर आशुतोष कुमार प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज कॉलेज के द्वारा बी एस आई डी सी को राशि ट्रांसफर हुई है आ, कॉलेज के डेवलपमेंट वर्क के लिए टेंडर प्रोसेस में है एक सप्ताह के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा है ना तो ये इंजीनियर ने भी बता दिया सो दिस वॉज दी अपडेट जेंडमैन नाउ द वेरी इम्पॉर्टेंट इशू अब हमें बात करनी है क्लासेस के बारे में है ना अब देखिए अब क्या हुआ था कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दे बिकॉज़ आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की कल मैं पटना यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस गया था और वहाँ से मुझे कुछ ख़ास खबर नहीं मिली तो मैं साइंस कॉलेज भी गया था है ना तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या पाया तो देखिए दोस्तों मैं उधर गया मैं सीधे ऑफिस में चला गया है ना और मैंने एक क्लर्क से बात की मैं क्लर्क का नाम आपके सामने नहीं बताने जा रहा हूँ बिकॉज़ फॉर दी सिक्योरिटी रीज़न्स नाउ तो मैं क्लर्क के पास गया क्लर्क ने मुझे बोला मैंने उससे पूछा सबसे पहले कि सर कल से सुना है पेपर में भी आया है कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है, है ना साइंस कॉलेज में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हूँ तो साइंस कॉलेज में बता कर क्या करेंगे है ना तो मैं पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिस में गया अब वहाँ पर क्या हुआ मैं उधर गया वहाँ से भी मैं एक क्लर्क से मिला है ना तो मैंने सेम क्वेश्चन उधर भी सर सुना है कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों के पास नोटिफिकेशन वगैरह तो आई ही नहीं है ना तो उस क्लर्क ने मुझे रिप्लाई दिया और ये किस हद तक मतलब सही भी है अगर आप इसको अदरवाइज़ ना लें तो मैं आगे बताता हूँ है ना आप आप लोग कुछ कमेंट में उल्टा सीधा ना लिखें तो मैं आगे बता रहा हूँ जैसे कि क्या है कि उस क्लर्क ने मुझसे बोला कि बेटा ये पटना यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे न्यूज़पेपर में तो निकल जाता है, है ना कि हम आठ तारीख से हम चार जनवरी से हम आठ फेबरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन स्टार्ट काफ़ी लेट ही होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 20 तारीख से पहले पहले उसने मुझे बताया सारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए है ना अगर आठ तारीख बोला गया है तो बीस तारीख से पहले, पहले पहले आपकी सारी क्लासेज स्टार्ट हो जानी चाहिए तो ये थी अपडेट जेंटमैन तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है अब मैंने भी प्लान बना लिया है मैं बुक्स की लिस्ट रिलीज़ करने जा रहा हूँ है ना तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें एंड इट विल बी अ मोर यूजफुल वीडियो टू यू है ना और वीडियो को पूरा देखा करें इट फील्स गुड टू मी ओके जैन मैन हैव अ नाइस डे गुड बाय